आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल वाटर कमीशन CWC की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी भी निकली है जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट की गई है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। सभी कुछ मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है भारत सरकार का एक PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आती है, और JEE का जो भी पोस्ट होता है वो CWC में आपको SSC JEE के थ्रू फिल की जाती है। अभी जो है इसमें इंजीनियर्स का दूसरा अलग पोस्ट है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले सभी जॉब वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS India तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ डिटेल्स में आपको एक एक करके बताते हैं। अभी जो है टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल में भी जब जब ऑफर आती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कूपन कोड अगर आप लगाओगे PKO3PL तो आपको जो है वहाँ पर प्राइस कम हो जाएगा। अभी जो भी प्राइस आपको दिखेगा उसमें अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो प्राइस जो है कम हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आप SSC JEE, RRB JEE, UP SSC JEE, DDA JEE और जो भी State JEE और AE JEE के एग्जाम्स होते हैं सभी आप यहां पर सिंगल पास से आप सभी को कवर कर सकते हैं। आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग पास बाय नहीं करने पड़ेंगे, एक ही पास आपको बाय करना है। पास प्रो आप ले लीजिएगा तो उसमें आपको जितने भी सारे PIQs होते हैं सभी आप कवर हो जाएंगे, सभी आप उसको लगा सकते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में टेक्स्ट बुक का ऐप नहीं होगा तो दिए गए ऑफर लिंक से आप डाउनलोड करोगे तो भी आपका प्राइस कम हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम, व्हाट्सअप सभी जगह ये ऑफर लिंक के नाम से लिंक होगा, इससे आप लोग टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कीजिए। या अगर आपके फ़ोन में पहले से होगा तो ये कूपन कोड जरूर से लगाइएगा PKO3PL, तो आपको जो प्राइस है कम हो जाएगा। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये आपको सेंट्रल वाटर कमीशन CWC की तरफ से नोटिफिकेशन अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 25 से लेकर के 31 मई के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आती है, इसकी तरफ से नोटिफिकेशन आउट की गई है। CWC है सेंट्रल वाटर कमीशन, ये आपको इसमें जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो आपको SSC JEE के थ्रू फिल होती है। SSC में आपको इसकी भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की। अभी जो इसमें वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे, ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रही है, जिसमें इसकी जो बेसिक पे है लेवल 7 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 44,900 से लेकर के 1,42,400 इसका पे बैंड मैट्रिक्स है। और वहीं पर JEE पोस्ट की बात करें तो JEE का जो लेवल 6 की सैलरी मिलती है जिसकी 35,400 से लेकर के 1,12,400 बेसिक पे होता है। तो अभी ये असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर नोटिफिकेशन निकली है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे तो जरूर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएट हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो दिया गया है क्वालिफिकेशन और डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन कौन सा ब्रांच है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांच में अगर आप यहाँ पर BBTEC कर रखे हैं डिग्री कोर्स तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको मांगा गया है। वहीं पर बात करें दूसरा पोस्ट के, तो ये आपको असिस्टेंट इंजीनियर कम्युनिकेशन में है, जिसमें कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर दिया, जिसमें कि सेम ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या टेली कम्युनिकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर अगर आप काम किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है आपको इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर देखने के लिए मिली है, परमानेंट्स नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, जो कि यहाँ पर 3 ईयर्स तक यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बात करें अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे इसको अप्लाई करना है, तो ये इसका बायोडाटा परफॉर्मा दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोडाटा परफॉर्मा फॉर डेप्यूटेशन, जिसमें कि आपको यहाँ पर नेम जो है उसके नेम एंड एड्रेस इन ब्लॉक लेटर्स में आपको यहाँ पर मैंसन करना है। उसके बाद फादर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, होम स्टेट, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर कौन से जगह आप काम कर रहे हो, उसके बाद डेट ऑफ अगर आप रिटायर्स वगैरह हो चुके हैं या कहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी कुछ आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस वगैरह सभी कुछ फिल करना है, और उसके बाद आपको देखने और भी कुछ सिलेक्ट करने के लिए, तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, नोटिफिकेशन लिंक के नाम से होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको दिया गया चॉइस प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप कहाँ पर करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से अपने डिजायरेबल के अनुसार से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर्स, एड्रेस वगैरह सभी कुछ करके आपको इस एड्रेस पर सेंड करना होगा,
होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी रेड नोटिफिकेशन है और इसके परफॉर्म है, ये आपको 7 दिन के अंदर में, तो अभी बहुत टाइम है, आप लोग 2 मंथ टाइम है आने वाले दिनों में, जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडिया तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं।